ये करंट एप्लीकेशन बना रहे थे जिसकी हमने APIs बना ली थी, उसको चला के नहीं देखा था हमने। आज उसको हम चला के भी देखेंगे और उसका हम फ्रंट एंड भी बनाएंगे जिसमें वो करंट ऑपरेशन हम पूरा करेंगे एक वेरिएबल के साथ। ठीक है जी, तो ज़रा हम गो थ्रू कर लेते हैं अभी तक हम क्या कर चुके हैं कोड में। अभी तक हमारे पास जो ये एप्लीकेशन है ये एक प्योर बैक एंड एप्लीकेशन है, इसके अंदर कोई फ्रंट एंड इस वक्त नहीं बना हुआ है। इसका नाम है रखा था हमने रेस्टफुल API करंट ऑपरेशन विद React एंड Express, ये हमने इसका नाम रखा है। सही है, इसके अंदर पैकेज डॉट जेसन की फाइल है, गेट इग्नोर की फाइल है, ये आप जानते हैं कौन सी फाइल है, जिसको नहीं पता है वो पीछे की क्लासेस देखे फिर। ठीक है, अब सर्वर डॉट MJS की जो फाइल है उसके अंदर क्या क्या मौजूद है हमारे पास। हमारे पास ऊपर एक्सप्रेस इम्पोर्ट किया हुआ है, पाथ इम्पोर्ट किया हुआ है हमने, उसके अलावा कॉर्स हमने इम्पोर्ट किया हुआ है, क्योंकि ये हमारा जो कोड था ये प्रीवियस क्लास का ही कोड था, उसी को हमने डुप्लीकेट कर लिया था, तो उसमें हम पाथ को इस्तेमाल कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, इसलिए लगा था इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे एट द एंड। ठीक है, ये हम हो सकता है इसको लास्ट में हटा देंगे। ठीक है, कॉर्स लगा हुआ है इसके अंदर, एक्सप्रेस की ऐप इनिशियलाइज हो रही है, एक पोर्ट का नंबर हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा कॉर्स की ऐप यहाँ पर लगी हुई है, जेसन बॉडी पार्सर यहाँ पर लगा हुआ है जो जेसन की बॉडी को पार्स कर रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल बना हुआ है MD जिसके अंदर डेटा हमारा आके स्टोर हो रहा होगा, और हमने ये भी देख लिया था कि वेरिएबल में डेटा स्टोर करने के क्या नुकसान हैं। ठीक है, जो हमने REST API के प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो उसके साथ साथ हमने ये कवर किया था। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक API है पोस्ट की, और उसका राउट है उसका प्रोडक्ट, तो स्लैश प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट आएगी, पोस्ट होगी, तो उसका क्या मतलब है कि कोई प्रोडक्ट ऐड किया जा रहा है डेटाबेस पर। दिख रही है अब तुम्हें स्क्रीन, अभी दिख रही है सर? अच्छा, तो ये अगर मैं इसको खोलता हूँ पोस्ट को तो क्या करता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में कुछ डेटा आता है, इसको मैं वैलिडेट करता हूँ कि जो डेटा जैसा मुझे चाहिए था क्या वैसा ये है, अगर वैसा नहीं होता है। ठीक, अच्छा, ये मैंने एक मिस्टेक की थी बाई द वे लास्ट क्लास में, ये मुझे यहाँ पे एंड नहीं लगाना था, मुझे और लगाना था। सही है, वो एक स्टूडेंट ने मुझे क्लास के फ़ौरन बाद कहा कि यार ये तो सर चल ही नहीं रहा, आपका लॉजिक गलत है। मैंने देखा तो मुझे असल में मैंने पहले दूसरी लॉजिक लगाई थी, तो वो नॉट तो मैंने लगा दिया, इसको चेंज करना भूल गया था। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा कि अगर नेम नहीं है या प्राइस नहीं है या डिस्क्रिप्शन नहीं है, दोनों में से कोई एक भी अगर नॉट हो जाए, ठीक है, और का मतलब है ना, तो फिर ये वाली बात नहीं। वो पहले जो लॉजिक गलत लगी हुई थी उसमें कहा कि ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं होगा, तब ये जाके एरर रेट होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक लास्ट टाइम मैंने गलत लगा दी थी, वो अभी मैंने सही कर दी। जी, एंड के साथ चल रहा था, एक पैरामीटर गायब करके देखो फिर भी चलता रहेगा वो। एक पैरामीटर अगर गायब कर दोगे ना बॉडी में से तो फिर भी चलता रहेगा, ये मसला था उसमें। हालांकि कोई एक भी मिसिंग हो तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो चलेगा। ठीक है, ये उसमें मिस्टेक है, जहाँ जहाँ मैंने ये वाली वैलिडेशन कॉपी पेस्ट मारी है वहाँ वो पोस्ट तो चलेगी, तीनों डेटा दोगे तो चलेगी, एक मिसिंग भी कर दोगे तो भी चलेगी, तीनों की तीनों जब तुम गायब करोगे ना फिर तुम्हें ये एरर देगा। सही है, जो मेरी पहले लॉजिक थी इसमें। वेल, तो मैं अभी फिलहाल देखो डिपेंड हो सकता है कि क्या चाह रहा हूँ मैं इस वक्त ये चाह रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों मुझे चाहिए हर हाल में, अगर एक भी गायब हो तो एरर दे, तो उसके लिए मुझे ये लॉजिक चाहिए। और है ना, नॉट नेम नॉट लगा हुआ है ना, तो नॉट के साथ और लगेगा। सही है, लास्ट क्लास में मैंने ये गलत कर दिया था, तो मैंने वैलिडेशन चेक की, वैलिडेशन चेक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स के जो वेरिएबल है मेरा इसमें लोकल वेरिएबल बना हुआ है उसके अंदर मैं इसको पुश करवा देता हूँ, साथ में एक आईडी भी देता हूँ, आईडी मैं एक रैंडम आईडी देना चाहता हूँ इसको, तो मैंने क्या किया टाइम को मिली सेकंड में उठा के एज आईडी इसको प्रोवाइड कर दिया, और रिस्पॉन्स हो जाएगा भाई प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। तो ये एक API थी, साथ में हमने गेट प्रोडक्ट्स देखा था, रिक्वेस्ट होगी गेट की और उसका राउट होगा प्रोडक्ट्स, और वो किस तरह से हम उसको भेज रहे हैं, जैसे ही कोई बोलता है स्लैश प्रोडक्ट्स, क्योंकि एस लगा हुआ है इसका मतलब है तमाम प्रोडक्ट्स की बात हो रही है या एटलीस्ट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू द REST API प्रिंसिपल। तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में एक जेसन भेजा, और जेसन के अंदर हमने डेटा करके पूरी प्रोडक्ट्स का पूरा वेरिएबल भेज दिया। ठीक है, ये एक हमने API बनाई है, गो थ्रू कर रहे हैं लास्ट क्लास में क्या किया था, फिर हम यहाँ से आगे करेंगे। अच्छा, अगर सिंगल प्रोडक्ट एड करनी है तो जाहिर है उसकी ID भी मुझे चाहिए होगी, तो मैंने URL पैरामीटर्स में एक ID पकड़ी है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट होगी गेट की और राउट क्या होगा प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट की ID। ठीक है, मैंने वो पकड़ा, ID ऐसे अलग कर ली, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट ID करके मुझे
ये URL पैरामीटर इस तरह मिलते हैं। अगर दो URL पैरामीटर होते तो एक ID है, दूसरे का कोई और नाम होता तो वो भी मैं पकड़ सकता था यहाँ पर, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चला के सर्च किया, ये बेसिक JavaScript है, हम फॉर लूप पढ़ चुके हैं कई दफ़ा बेसिक JavaScript में। तो फॉर लूप चला के मैंने इसको सर्च किया, अगर तो मुझे प्रोडक्ट मिल जाती है ठीक है, तो मैं वो प्रोडक्ट क्या कर देता हूँ, जेसन की बॉडी में डाल के और डेटा के करके मैं उस प्रोडक्ट को वापस भिजवा दूँ। अच्छा ये बाय द वे जो मैं वापस भेज रहा हूँ ना, ये भी क्या है, बॉडी है। रिस्पॉन्स हमेशा किस में जाता है, बॉडी में जाता है, राइट। तो जो आ रहा है वो बॉडी आ रहा है और वापस भी बॉडी जा रहा है, ठीक है। एक इंटरनेट पे जो एक पैकेट निकलता है ना, एक मशीन से जो पैकेट निकलता है, उस पैकेट के अंदर एक हेडर होता है, एक बॉडी होती है, ठीक है। हेडर में जो चीज़ें होती हैं वो पब्लिक होती है, बॉडी में चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट होती है। और यहाँ से जब वापस रिस्पॉन्स जाता है तो उसमें भी क्या होता है, एक एक पैकेट करके जा रहा होता है, तो उसमें हर पैकेट में एक हेडर और बॉडी होती है। जी दोस्त, अभी इसको हमने लॉगिन साइनअप नहीं इसमें इम्प्लीमेंट किया, अभी ये लॉगिन साइनअप करेंगे हम JWT वाला मोस्ट प्रॉब्ली, अगर हमें मौका मिल गया तो, ठीक है। तो ये अभी अभी बिना लॉगिन साइनअप किए ये चल रहा है, ठीक है। असूलन ये होगा कि बंदा लॉगिन करेगा और हर दफ़ा टोकन साथ लाएगा फिर ये चला पाएगा, अदरवाइज़ नहीं चला पाएगा, ठीक है जी। अदरवाइज़ अगर वो नहीं मिलता है तो मैं कहता हूँ भाई प्रोडक्ट नॉट फाउंड, दैट्स इट। ये हमारा यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने वाली API हमारी कंप्लीट हो गई, सही है। उसके बाद डिलीट प्रोडक्ट को ऐड करने वाली जो API है उसमें मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से URL पैरामीटर में ID मंगवाई है, ठीक है, कि भाई कौन सी प्रोडक्ट डिलीट करनी है उसकी ID दो। फॉर लूप चलाया है, अगर वो प्रोडक्ट मिल जाती है तो स्प्लाइस के जरिए वो प्रोडक्ट मैंने गायब करा दी, एरे में से उड़ा दी और रिस्पॉन्स भेजा कि भाई हो गया डिलीट। अगर नहीं मिलता है तो मैं कहता हूँ भाई डिलीट फेल हो गया, आपका प्रोडक्ट मिल ही नहीं हो गया, सही है। डिलीट की API होगी, उसके अलावा पुट है, पुट यानी मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, ठीक है। तो किसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ उसकी ID, कि भाई फला ID नंबर ये प्रोडक्ट इसको मॉडिफाई करना जी। ट्रिपल इक्वल टू मैंने कहाँ लगाया, ऊपर डिलीट में ये वाले में, ओके मैं अभी वही गौर कर रहा हूँ कि ये क्या मसला है। अच्छा URL पैरामीटर आपको स्ट्रिंग में मिलता है, सही है, और यहाँ मैंने रखवाया कैसे वो भी देख लेता हूँ। अच्छा ये मैंने नंबर में रखवाया है ना, ये मैंने नंबर में रखवाया है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि या तो मैं इसको स्ट्रिंग बना दूँ रखवाते वक्त, या तो उसको नंबर में पार्स करूँ, इसको स्ट्रिंग बना दें, इसको बॉडी में जो चीज़ आती है ना वो स्ट्रिंग होती है भाई, ये भले वो अगर अच्छा ये बॉडी नहीं है ना, ये तो URL पैरामीटर है, URL पैरामीटर तो ज़ाहिर है स्ट्रिंग है, किसी भी फॉर्म में आएगा स्ट्रिंग होगा वो, ठीक है। अच्छा बॉडी क्योंकि पार्स किया जाता है तो वो जेसन में पार्स हो जाता है, तो बॉडी में अगर नंबर आया तो फिर नंबर की फॉर्म में मिलता है। अभी मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा, वो ज़ाहिर है आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, तो छोटी सी एक्सपेरिमेंट की बात है, लेकिन बॉडी में मेरा ख्याल है कि नंबर जो होता है वो नंबर की फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है, लेकिन वो देख लीजिएगा। वेल URL पैरामीटर स्ट्रिंग मिलता होगा 100% आई एम श्योर। तो खैर इसको मैं रखवाते वक्त मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, ये मैंने API चला कर नहीं देखी थी, मैंने ब्लाइंडली कोड लिखा था ऊपर से नीचे तक, मतलब ऐसे ही। तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा स्ट्रिंग, इसको मैं इसके अंदर एज अ टेम्पलेट लिख दूँगा, सही है, बन गया स्ट्रिंग ये। अभी एक्चुअली क्या है, एक ES6 का स्ट्रिंग है और उसके अंदर टेम्पलेट के अंदर मैंने टाइम लिख दिया, तो अब ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये एज अ स्ट्रिंग उधर सेव हो रहा होगा जाके, ठीक है। तो मैं इसको स्ट्रिंग करवा दिया मैंने, या मैं ये भी कर सकता तो उसको वहाँ जाके नंबर में पार्स कर लूँ। अच्छा नंबर में पार्स करता तो फिर उस पर एक वैलिडेशन भी लगानी पड़ती कि भाई इज़ NaN अगर ये है, मतलब अगर नंबर दिया ही नहीं ABC लिख दिया किसी ने तो क्या हो फिर, ठीक है। अच्छा बाय द वे ID अक्सर नंबर में ही होती है, उसमें स्ट्रिंग में ही होती है, ठीक है। ID जो है हमेशा स्ट्रिंग में भी हो सकती है, क्योंकि जैसे MongoDB ID देता है वो स्ट्रिंग में होती है, ठीक है, वो अल्फा न्यूमेरिक होती है, अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर सिर्फ नंबर रखूँगा ना तो वो लिमिट हो जाता है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक में थोड़ा सा हमें मतलब 1 से लेके 9 तक और फिर हम A से लेके Z तक भी हो जाता है हमारे पास, तो वो थोड़ा अल्फा न्यूमेरिक में ज़्यादा हमें लेवरेज मिल जाती है। तो शायद इस वजह यही वजह है कि ID हमेशा जो है वो डेटाबेस की खासतौर पर अल्फा न्यूमेरिक रख रहे हैं आजकल ये लोग। अच्छा जी, तो ये जो प्रोडक्ट पोस्ट हो गया, प्रोडक्ट गेट हो गया, सिंगल प्रोडक्ट गेट हो गया,
डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट में ये ट्रिपल इक्वल्स टू कह रहा था कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको डबल भी कर सकते हो, वैसे रेकमेंडेड यही कि ट्रिपल आपको सही। अच्छा तो जी ये हमारे पास डिलीट का काम हो गया, उसके बाद पुट का काम हो गया हमारे पास। पुट किस लिए होता है? किसी भी एग्जिस्टिंग चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, एग्जिस्टिंग रिसोर्स को मॉडिफाई करने के लिए पुट इस्तेमाल करते हैं। हाँ बोलो। अच्छा पुट के अंदर मैंने एक तो URL पैरामीटर्स के अंदर एक ID मंगवाई कि कौन सी वो प्रोडक्ट है जिसको आपने मॉडिफाई करना है, ठीक है। दूसरा मैंने ये मंगवाया बॉडी के अंदर वो डेटा मंगवाया, जो नया डेटा अब रखना है वो मंगवाया मैंने। अच्छा फिर मैंने क्या किया, जो बॉडी के अंदर तीन चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी, मैंने कहा भाई तीनों देनी है आपने, मैंने कहा तीनों ही आपने मुझे देनी है, प्रोवाइड करनी है। अच्छा फिर मैंने तीनों को कंसोल भी करवा लिया जस्ट टू देखने के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप चला के वो ID सर्च की जिसको अपडेट करने के लिए जो दिए ना ID मुझे, अगर तो वो मिल जाता है तो मैं वो तीनों आइटम अपडेट कर दूंगा। अगर मिसाल के तौर पर मुझे इंडेक्स नंबर 6 पे जाकर वो मिल जाता है ID कि हाँ यार इंडेक्स नंबर 6 से मैच हो गया, तो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट्स का इंडेक्स नंबर 6.name इक्वल टू body.name, ठीक है, प्रोडक्ट्स का इंडेक्स नंबर 6.price इक्वल्स टू body.price, तो पुरानी प्राइस हट जाएगी नई प्राइस आ जाएगी मेरी। उसके बाद मैं कहता हूँ ठीक है भाई हो गया, मैंने भेज दिया, मॉडिफाई हो गया, ठीक है जी। हाँ मैंने ये लास्ट डिस्कस किया था कि हम एक दो भी डिस्कस कर सकते हैं, एक दो को भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि मैं तीनों को अपडेट करूँ। अगर आप सिर्फ एक को करते हैं तो यहाँ पे फिर तीन इफ़ लगते हैं कि इफ़ body.name तो इसको अपडेट करो, इफ़ body.price तो इसको भी अपडेट कर दो, इफ़ body.description तो इसको भी अपडेट कर दो। उस केस में ये होता कि अगर आपने सिर्फ नेम दिया तो सिर्फ नेम अपडेट होगा, बाकी दोनों नहीं होते, सही है। तो तीन इफ़ लगेंगे यहाँ पे, वो वाला काम भी हो जाएगा। तो जो आप सोच सकते हो वो हो सकता है प्रोग्रामिंग के अंदर। पैच मेथड भी होता है लेकिन पुट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। देखो ये अभी जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये बेसिक CRUD ऑपरेशन करवा रहा हूँ। अब वो पुट में और पैच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है ये अभी हम कवर नहीं करेंगे ना, इस कोर्स में हम ये कवर नहीं करेंगे, वो तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा और कुल मिला के बात ये है कि गेट पुट पोस्ट और डिलीट जो है ना, तीनों के अंदर बॉडी आती है और तीनों के अंदर हेडर भी आता है, तीनों में URL पैरामीटर भी आता है, तो फ़र्क एक्चुअली कोई भी नहीं है। ये थियोरेटिकल बात है, ये सारी थियोरेटिकल बात है, और एक समझ जाओ कि कन्वेंशन है ये जो आपस में डेवलपर्स ने सेट किया है कि यार गेट की रिक्वेस्ट में मैं डेटा सर्वर से मंगवाऊंगा हमेशा, भेजूंगा नहीं। ये लोगों ने कन्वेंशन सेट किया है, अदरवाइज आप गेट में भिजवा दें चला जाएगा, बॉडी रख के आप गेट की रिक्वेस्ट में भेजें ना वो चली जाएगी, वो मना नहीं करेगा आप, ठीक है। या आप डेटा मंगवाने के लिए आप पोस्ट की रिक्वेस्ट मारते रहें, वो मसला नहीं है, आएगा। तो ये एक्चुअली ना ये प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, ये जो मतलब HTTP के जो प्रिंसिपल्स है ना, ये वो हम फॉलो कर रहे हैं। यार अच्छा जब मंगवाना होगा तो गेट की ही करूँगा मैं, जब कुछ एडिट करना होगा तो मैं पुट की करूँगा, ठीक है। तो अब वो प्रिंसिपल आपको स्टडी करने होंगे कि वो पैच की रिक्वेस्ट वो कब करने बोलता है, वो कब बोलता है कि पैच की रिक्वेस्ट करो, तो आप उस टाइम पैच की रिक्वेस्ट करेंगे। बट हम अभी इसमें सिर्फ CRUD ऑपरेशन में चार बेसिक कवर कर रहे हैं, तो पैच वाला आपको अलग से पढ़ना होगा जी। पूछे प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा मंगवाना, हाँ देखो अब तुम्हारे पास जैसे सिर्फ ये ना प्रोडक्ट जो S वाला प्रोडक्ट है, अभी तो उसमें मैं तमाम प्रोडक्ट भिजवा रहा हूँ। अब इसके अंदर अगर मैं URL पैरामीटर ले लूँ, URL पैरामीटर ले सकता हूँ ना कुछ भी, तो उसमें पेज नंबर ले सकता हूँ या लिमिट ले सकता हूँ कि लास्ट 100 फर्स्ट 100, ये इस तरह की चीज़ें मैं यहाँ पैरामीटर में ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो पैरामीटर में ले लेंगे, उसी हिसाब से भेजेंगे। जैसे तुमने अक्सर देखा होगा पेजेस पे पैजिनेशन लगी हुई होती है, तो जब पेज लोड होता है तो ये जो API चलती है ना वो क्या चलती है, जीरो के साथ चलती है, जीरो और /50। तो इसका मतलब है कि जीरो से शुरू करो और 50 तक लाओ, लिमिट 50 है, फिर अगली दफ़ा जब ये चलेगा तो ये 50 हो जाएगा, फिर उसके बाद अगली दफ़ा ये चलेगा तो ये 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 100 से शुरू करो और मज़ीद 50 लाओ, ठीक है। तो इस तरह करके आप पेजिनेशन कर सकते हैं। अच्छा पेजिनेशन ज़्यादातर वैसे होती है क्वेरी पैरामीटर में ना, क्योंकि पेज इक्वल्स टू करके आप 100 देते तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक हो गया जी। तो अब ये सारा कुछ तो हमने कर लिया, अब हमने करना क्या है, बचा क्या है, अब एक रिएक्ट की ऐप बनाते हैं हम, छोटी मोटी सी चुन्नी मुन्नी सी, और उसके ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अच्छा ये जो पार्ट है ये मेरा अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसको हटा भी सकता हूँ।
ठीक है, हटा दिया मैंने फिलहाल के लिए, बाद में चाहिए होगा दोबारा लगा लेंगे। तो अब मैंने इसके अंदर एक रिएक्ट की ऐप बनानी है। कैसे बनाऊंगा मैं बोलूंगा कि भाई सीडी पहले तो 5 टैब एंटर, सही है, ये मैं 5 वाले फोल्डर में आ गया। और फिर इसके बाद दोबारा बोलूंगा मैं सीडी 5 टैब एंटर, तो अब मैं मेरे इस फोल्डर में आ गया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त, कोड लिख रहा हूँ। क्लियर कर दिया मैंने ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। इस फोल्डर में आने के बाद मैंने कहा क्या लिखूंगा, npx क्रिएट क्रिएट रिएक्ट ऐप, सही है। और ऐप का नाम क्या रख दूंगा मैं, कुछ भी नाम रख दूंगा, मैं वेब रख देता हूँ, ठीक है। तो वेब का फोल्डर बनेगा और वो उसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा। नहीं, सर्वर के अंदर बना रहे हैं, सर्वर के, असल में एक ही रिपोजिटरी है, दोनों चीज़ उसमें रखनी है। तो रूट पे सर्वर है और उसमें एक वेब का फोल्डर है, पूरी रिएक्ट की ऐप उसके अंदर है। हाँ जी दोस्त, ये वाला फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मैंने कहा था कि बना के लाना, बना के लाए हैं, गुड यार, अच्छी बात है। कितने लोग बना कर लाए? अच्छा, डिलीट एडिट सब हो रहा है उसमें? अच्छा, तुमने जो बनाया वो भेजो ना। क्या मतलब, किसी से भी पूरा नहीं बना ना, वेब क्लास आईडी वेब है, भेजो जरा, मेरे पास तो नहीं आया यार। ये आइए मेरे पास, ये हारून तुम्हारी है? अच्छा, अभी इसमें, अरे इस तरह थोड़ी है, मगर नेम एबीसी, प्राइस 1000, डिस्क्रिप्शन एंड पोस्ट, जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो पोस्ट तो हो रहा ही है, लेकिन ये वापस क्यों नहीं आ रहा? पेज रिफ्रेश करना होगा, गेट ऑल करूँगा मैं, अच्छा फिर आया नहीं यार, इंटरनेट पे तो ऐसा नहीं होता। नहीं, ये गेट ऑल तो पेज लोड पे आ जाना चाहिए था ना। नहीं उसी के नीचे आ रहा था, यार सही है, तुमने बनाया तो अच्छा है, बनाया तो तुमने अच्छा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और गेट ऑल करता हूँ। अब इस वाले का मिसाल के तौर पे मैं नेम चेंज करने जा रहा हूँ, एडिट चल रहा है, अपडेट दोबारा से गेट ऑन, अच्छा, और डिलीट करूँगा इसको, तो डिलीट हो गया तो पता नहीं चला, यहाँ से गायब भी नहीं हुआ। अच्छा सही है, ये बना तो सही लिया तुमने, लेकिन इसका थोड़ा सा मोर और लेस सबने इसी तरह का बनाया है मुझे लग रहा है। तुम्हारा रियल टाइम है नाम कौन सा बताओ? हमजा, हमजा अली, प्रोडक्ट की नाम लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, पोस्ट। नहीं, पेज लोड होने पे खुद से भी तो आ जाना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं आएगा? पेज लोड होने पे नहीं आएगा, जब मैं पोस्ट करूंगा फिर आएगा ऐसा।
अच्छा, और डिलीट करूँगा तो डिलीट करूँगा तो चला भी जाएगा। सही है यार, बहुत अच्छा बनाया इसमें। और अगर डायरेक्ट लाना तो गेट ऑल अपने हाथ से प्रेस करना होगा। और ये अच्छा है, ये यूआई तुमने कौन सी लगाई है इसमें? मटेरियल गुड यार, जब वो काम करता है बंदा नजर आ जाता है। किस पे वही काम होगा? नहीं, ये दोबारा भेज रहा होगा ना इसमें, ये एडिट, ये तीनों चीज़ें दोबारा भेज रहा होगा ना इसमें। आप देख लेना ना, आप इसका कोड देख लेना, ये पड़ा हुआ है गिटहब में, जाके आप एक्सप्लोर कर लें। और किसी का बना हुआ इस तरह रियल टाइम वाला, या क्लिक करके गेट हो रहा है, मतलब पेज लोड हो रही सारी चीज़ें मुझे दिख जाए, ऐसा हो रहा है किसी के केस में भी? नहीं हो रहा। चलो बस ये मैं बना के दिखा देता हूँ, फिर ये बना लेना अपने हाथ से तुम। अच्छा हाँ ना, पेज लोड होते ही आता है ना भाई, फेसबुक खोलते तो ऐसे ही होता है ना। फिर रिफ्रेश क्यों करना पड़ रहा है? यूज़ इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? यूज़ इफेक्ट की एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी नहीं है अभी, वही मैं बताने जा रहा हूँ। सही है, एक चीज़ शायद आपने वो डिपेंडेंसी एरे नहीं पढ़ा आप लोगों ने। डिपेंडेंसी एरे में क्या रखा जाता है वो नहीं पढ़ा ना आपने। खैर अच्छा, बाई द वे यूज़ इफेक्ट की भी बात नहीं है यार, वो गेट, जो गेट का एक फंक्शन होगा ना, जो आप यूज़ इफेक्ट में एक दफ़ा कॉल करते हो तो सबमिट पे एक दफ़ा और कॉल कर दो, क्या मसला है? यही होगा ना यार। मैं समझा नहीं सवाल ये, किसी आईडी से एक आईडी मतलब? गेट ऑल बता रहे हैं, उसमें वो खराब हो जाता है। नहीं मगर यूज इफेक्ट तो एक दफा चलता है ना सिर्फ, मिसाल के तौर पे एक बार वो चल गया, डेटा लेकर आ गया, दैट्स इट, मसला। अब वो दोबारा तो कभी भी नहीं चलेगा ना, जब तक मैं रीलोड ना कर दूं। अब तुमने सर्च बॉक्स बनाया है, उसमें तुम लिख के अगर सबमिट करते हो तो सबमिट करने पे अगर मैं उस इस यानी जो यूज़ इफेक्ट जो डेटा लेकर आया था उसको मैं हाइड कर दूं, या एक दूसरा वेरिएबल है उसमें मैं सर्च का रिजल्ट लाऊं और मैं कहूं जब तक इस वेरिएबल का डेटा और बड़ा वाला रिजल्ट ना दिखाऊँ ये दिखाऊँ, तो ये हो गया ना काम मेरा। और जैसे ही मैं सर्च को ख़त्म करूँगा तो सर्च के मतलब ख़त्म करने पे मैं वो सर्च वाला वेरिएबल जो है वो उड़ा दूंगा, उसमें जो डेटा आगे सेव हुआ होगा तो फिर मेन वाला ऑटोमेटिकली शो होगा, टर्नरी ऑपरेटर लगेगा एक्चुअली। या मे बी आप ये कर सकते हैं कि सर्च का रिजल्ट आप बिल्कुल अलग ही दिखा दें, ये भी दिखाएं वो अलग से दिखा दें साइट पर, डिफरेंट डिपेंड ऑन केस के आप क्या बना रहे हैं और उसमें क्या रिक्वायर्ड है। अच्छा तो यार जल्दी से हम इसका ना वो बना लेते हैं, फ्रंट एंड तैयार करते हैं और ये जो आपके मसले मसाइल आ रहे हैं ना ये इसको हल करते हैं। अच्छा भाई, ये हमारी एक रिएक्ट की ऐप ताज़ा तरीन तैयार हो चुकी है, इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो इसको कर देते हैं रन। npm start, तो सबसे पहले तो ये रन हो गई भाई, और अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ ये हेलो दिखना चाहिए। सही है, ये हेलो दिख गया आपको। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, ये पूरा करंट ऑपरेशन मुझे तैयार करना है इसका। अच्छा अब ये पूरा करंट ऑपरेशन तैयार करने के लिए मुझे एक अदद चाहिए, फॉर्म। सही है, फॉर्म के साथ मुझे चाहिए फॉर्मिक। तो फॉर्मिक मैं कौन सी क्लास में कर चुका हूँ पहले, वहाँ से उठा के लेकर आ जाऊँगा। कौन सी वाले में किया था हमने, रिएक्ट के अंदर या फॉर्मिक किसी जगह हमने किया था ना, ये रहा फॉर्मिक हमारा। सही है, तो जो जो चीज़ें हमें पीछे वाले कोड से चाहिए होगी वो हम यहाँ से उठाते रहेंगे, कंपोनेंट और वेदर में था फॉर्मिक, ये रहा यूज फॉर्मिक। सही है, तो मैं जल्दी जल्दी फॉर्मिक यहाँ से उठा के ले आऊँगा। सिंगल पेज पे सारा काम हो रहा होगा मेरा, मुझे दूसरा पेज बनाने की जरूरत नहीं है इस केस के अंदर। ठीक है, मैं यप को उठा लूँगा यहाँ से, यप उठा लिया मैंने।
ठीक है। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, ये यूज़ फॉर्मेट का पूरा हुक चाहिए मुझे, यूज़ फॉर्मेट का पूरा हुक लेकर आ गया हूँ, जो मेरे पास कहाँ बनेगा इस ऐप के यहाँ पे बनेगा। ठीक है, मैं वैसे बगैर फॉर्मेट के भी कर सकता था, मतलब सिंपल सिंपल तरीके से, लेकिन उसमें शायद टाइम मेरा थोड़ा ज़्यादा लगता। ठीक है, उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, पूरा का पूरा फॉर्म चाहिए मुझे, राइट। अब इस फॉर्म को मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँगा, ये पूरा का पूरा फॉर्म मैंने यहाँ से उठा लिया, सही हो गया। ये पूरा फॉर्म मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया उठा के, ठीक है। अच्छा, जो जो चीज़ें इंस्टॉल नहीं है वो चीज़ों का ये एरर दे रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एक्सियोस मुझे इसमें चाहिए होगा, एक्सियोस भी मैं उसी में से उठा लेता हूँ ना, वो जहाँ से मैं ये कॉपी कर रहा था। एक्सियोस मुझे ऑब्वियसली चाहिए होगा, क्यों चाहिए होगा, क्योंकि इंटरनेट पर रिक्वेस्ट तो मैं भेजूँगा यहाँ पर, सही है। और क्या नहीं है, सेट वेदर डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, सही है जी। तो अभी मुझे कुछ एरर्स दे रहा है, एरर सबसे पहले ये दे रहा है npm i formic और yup और axios, ये तीन चीज़ें इंस्टॉल नहीं थी ना, इसलिए एरर दे रहा था। तो ये तीनों मैंने एक ही दफ़ा में इंस्टॉल कर दी, अब देखते हैं कि एरर फ्री हो जाता है कि नहीं हो जाता। जैसे ही एरर फ्री हो जाएगा तो हम अपने फॉर्म को मॉडिफाई करना शुरू करेंगे, और हम क्या करेंगे, अपने कोड को आगे बढ़ाएंगे। वन एरर अभी भी आ रहा है, अच्छा, सेट वेदर डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, ये कह रहा है, ठीक है। सेट वेदर डेटा के नाम से कोई स्टेट मैंने बनाई हुई थी, वो इसमें नहीं इसको मिल रहा है, सही है। मेरा कोड अभी एरर फ्री हो गया है। और अब मैंने अगला काम क्या करना है, अब मैंने अगला काम ये करना है कि फॉर्मिक में मुझे तीन चीज़ें चाहिए ना, क्या क्या चीज़ चाहिए, मतलब मुझे फॉर्म में अपने तीन चीज़ें चाहिए, क्या क्या है वो, प्रोडक्ट नेम, नेम का एन कैपिटल कैमल केस के मुताबिक, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, सही है जी। अच्छा, इन तीनों की जो वैलिडेशन है वो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैंने कहा भाई प्रोडक्ट नेम पे जो वैलिडेशन लगेगी वो क्या लगेगी, स्ट्रिंग होना चाहिए, एंटर योर प्रोडक्ट नेम, राइट, रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट नेम, तो इसमें मैं कहूँगा भाई प्रोडक्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद मैं कहूँगा मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए प्रोडक्ट नेम, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का, ठीक हो गया। ये मैंने एक वो लगा दिया। अब उसके अलावा मैं क्या करूँगा, मुझे एक और भी चाहिए, डुप्लीकेट किया इसको, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस जो होगा वो क्या होगा, एक नंबर होगा, ओहो सही है, डॉट नंबर, एंटर योर प्रोडक्ट प्राइस। अगर बंदे ने ये बात नहीं मेंशन की भी, मतलब ये अगर बंदा नहीं लिखता तो मैं बोलूँगा एंटर योर प्रोडक्ट प्राइस, रिक्वायर्ड है प्राइस, ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम इसमें नहीं होगा, मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगा इसमें, मिनिमम शायद होगा, मिनिमम 1 होगा या 0 होगा, ठीक है, मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस माइनस में नहीं लिख सकता ना कोई, तो माइनस में अगर लिखे तो उसको एरर देना चाहिए। पॉजिटिव का ऑप्शन आता है, वो लिख देते हैं डॉट डॉट पॉजिटिव, नहीं मुझे तो इंटीजर नहीं चाहिए, प्राइस तो पॉइंट में भी हो सकती है, तो एंटर प्रोडक्ट प्राइस वैलिड, पॉजिटिव ही लिख देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये दूसरी वैलिडेशन हो गई, तीसरी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में यही वाला होगा सारा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वही नेम वाला ही होगा कि मिनिमम भाई 3 कैरेक्टर का होगा। मैंने कहा भाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एंटर योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा यहाँ। अब ये स्मॉल कैपिटल ज़रा देख लेना तुम लोग, रिक्वायर्ड नहीं रखते हैं हम इसको, नहीं रिक्वायर्ड रखते हैं क्योंकि उधर रिक्वायर्ड रखा हुआ है सर्वर में, सही है। और मैक्सिमम मैं इसको कहता हूँ कि यार 500 कैरेक्टर तक आप जा सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है, मिनिमम 3 कैरेक्टर
ज़रूरी है। PEN क्या होता है? PAN अगर लिखेगा ना तो मिनिमम 3 हो गया। हाँ मिनिमम 3 वो मैच कर जाएगा, 2 पे एरर देगा, 3 तक ये सही रहेगा। अभी देख लेते हैं, कम कर देंगे अगर कोई प्रॉब्लम किया इसने तो। तो ये सारी चीज़ें जो हमें चाहिए होंगी हमारे फॉर्म में से, हमारे पास जो रिक्वेस्ट जा रही होगी वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी पोस्ट की, जो रिक्वेस्ट होगी ना पहली बात तो ये होगी पोस्ट, ठीक है। और पोस्ट की किस पे जा रही होगी? http://localhost और 5001, इसी पे चल रहा है सर्वर हमारा। सर्वर हमारा किस पे चल रहा है? सर्वर अभी चल ही नहीं रहा, npm start, ठीक है 5001 पे चल रहा है सर्वर हमारा, स्लैश प्रोडक्ट, ठीक है जी। ये स्लैश प्रोडक्ट कर लिया हमने, अभी तो API कॉल नहीं कर रहे, अभी नीचे का फॉर्म सीधा कर ले पहले, अभी API कॉल भी करते हैं, अभी इसको इस पार्ट को हम छोड़ते हैं थोड़ा। हाँ हो गया, अभी सबर कर जाओ, सबर कर जाओ। अभी एसिंक कमेंट वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ इस क्लास में ना, एसिंक वाले तरीके से कॉल नहीं सिखाई मैंने, अभी देख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, मुझे याद पड़ रहा है लेकिन मैंने करवा दिया। अच्छा इनपुट में मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे एक सिटी नेम हुआ करता था सिर्फ इस केस में, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे, अरे भाई सही से गलत से कैसे होता है, बस एसिंक वाली कॉल कर ली तुमने तो हो गया। मुझे 3 फॉर्म चाहिए राइट। पहला फॉर्म चाहिए मुझे प्रोडक्ट नेम वाला, ठीक है प्रोडक्ट नेम, मैंने यहाँ से कॉपी किया प्रोडक्ट नेम, सही है प्रोडक्ट नेम। अच्छा फॉर्मिक वाली, फॉर्मिक का सब लोगों को पता है कि ये क्या सब कुछ चल रहा है, आईडी लिखी हुई है यहाँ पे, लेबल लिखा हुआ है, वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है चेंज वेंज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो एरर का मैसेज किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, फॉर्मिक डॉट टच डॉट प्रोडक्ट नेम। अगर किसी ने ये नहीं समझ में आ रहा किसी को तो वो फॉर्मिक वाली वीडियो इसी क्लास में जो हो चुकी है जहाँ से मैंने कोड भी कॉपी किया है, तो वो वाली वीडियो को देख सकता है जाके, तो उसको समझ आ जाएगा फिर कि ये हो क्या रहा है। ये असल में कंडीशनल मैसेज डिस्प्ले हो रहा है ताकि वो उसी वक्त डिस्प्ले हो जब एरर आए। अच्छा प्रोडक्ट प्राइस को मैंने कॉपी किया और मैं क्या करूँगा प्रोडक्ट प्राइस को लेके इसको भी मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। प्रोडक्ट प्राइस ठीक हो गया, ये 2 इनपुट बॉक्सेस बन गए। उसके बाद नंबर 3 क्या था हमारे पास? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसकी स्पेलिंग भी कॉपी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। और हमारे पास ये आ गया जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, देख लेते हैं आप स्क्रीन पे किस तरह दिख रहा है, कुछ इस तरह का दिख रहा है स्क्रीन पे। लेबल वेबल कहाँ गायब हो गया इसका? अच्छा वो लेबल इस तरह असल में लगता ही नहीं है ना इसमें, जो मटेरियल ही वही वाले तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है तो लेबल इसमें इस तरह नहीं लगता। वेल तो लेबल को मैं चेंज करके प्लेस होल्डर कर देता हूँ ताकि वो दिखना शुरू हो जाए, सही है सही है, ताकि वो दिखना शुरू हो जाए, क्योंकि लेबल उस तरह से वो इसमें नहीं लगता, मटेरियल यूआई में लगता है और अभी मटेरियल यूआई हमारे पास नहीं लगी हुई है, ठीक है जी। तो कोई एरर नहीं है किसी किस्म का हमारे पास, बिल्कुल सेट हो गया ये। अब मैं प्रोडक्ट का कोई नाम लिखता हूँ, जैसे तुम क्या कह रहे थे कि ABC अगर मैंने 3 कैरेक्टर का नाम लिखा है कोई, तो इसको सबमिशन पे एरर नहीं दिया इसने, सही है सबमिशन पे एरर नहीं दिया। कम करूँगा तो आप दे देगा कि भाई प्लीज़ एंटर मोर देन 3 कैरेक्टर, तीसरा लिखा सेट हो गया। तो अब ये 3 चीज़ें मैं लिख चुका हूँ इसके अंदर, अब मैंने क्या करना है? अब मुझे जाहिर है जो सबमिशन के ऊपर इन तीनों की वैल्यूज मिलती हैं राइट, अब सबमिशन पे इन तीनों की वैल्यूज यहाँ से मुझे मिल रही होती है, सही है। तो मैंने क्या करना है? कॉमा डाल के बॉडी के अंदर मुझे इन तीनों की वैल्यूज भेजनी है,
ठीक है, ये समझ आ रहा है ना क्या बना भाई? मैंने कहा भाई प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम की जगह वैल्यूज डॉट प्रोडक्ट नेम, ये वैल्यूज फॉर्मेट आपको दे रहा होता है, जो आपके फॉर्म की वैल्यूज होती हैं जो लिखी हुई हैं वो आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये मैंने उससे पूरा एक जेसन तैयार कर लिया जो मैं कहाँ भेजूंगा, अपने सर्वर पे भेजूंगा। अच्छा, ये जो लग गया है ना वैलिडेशन, इस केस में पॉसिबल नहीं है कि कोई ये इनमें से कोई एक भी छोड़ के और भिजवा दे, ये पॉसिबल नहीं है, सही है ना। लेकिन उसके बावजूद हमने सर्वर पे वैलिडेशन की है, तो हम उसका रीज़न भी लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि दोनों जगह वैलिडेशन इसलिए होती है ताकि सर्वर पे सिक्योरिटी के लिए और फ्रंट एंड पे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। फ्रंट एंड पे इस सिक्योरिटी को, यानी फॉर्मिक जो है, फॉर्मिक को बाईपास बहुत ईजिली किया जा सकता है, सही है। फॉर्मिक को बाईपास करना कोई मसला नहीं है, आप बस इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और एक दो छेड़छाड़ करेंगे, फॉर्मिक पागल हो जाएगा, बोलेगा सब कुछ ओके, सही है, कुछ लिखा हुआ हो नहीं हो, फॉर्मिक बोलेगा सब सही है। तो ये सीन है भाई। अच्छा, एक्सियोस डॉट पोस्ट, राइट, तीनों चीज़ें लिख दी यहाँ पे। अब जो रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास, उसको मैंने क्या करना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देना है कि हाँ भाई प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली एंड, सही है, इतना इतने को चला के देख लिया जाए फिर, क्या ख्याल है। आ जाते हैं, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और सर्वर देख लेते हैं, चल रहा है कि बंद हो गया, सर्वर चल रहा है। अच्छा, सर्वर को मैं npm run build npm run def कर लेता हूँ, क्योंकि सर्वर में मे भी थोड़ा बहुत चेंज हम कर रहे हों। तो मैंने प्रोडक्ट का नाम रखा ABC, प्राइस रखी मैंने 2000 और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख दिया और सबमिट का बटन दबा दिया, ठीक है। और सर्वर से मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, बैड रिक्वेस्ट 400। अच्छा, प्राइस ऐसा क्यों हुआ सर्वर पे, 5001 प्रोडक्ट सही तो भेजा है मैंने, 5001 भी चल रहा है सर। हाँ, ये मेरा सर्वर यही जो चल रहा है ना, इसी ने एरर दिया है, सर्वर खुद भी भेज देता है समटाइम, वैसे तो मेरी वैलिडेशन पे ही होगा, मुझे पता है ना। अच्छा, ये रहा ना, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग बोला इसमें, इसके अंदर ये मैसेज है, रिक्वेस्ट फील्ड विद कोड 400, ठीक है, बकवास है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस सही तो है, सब कुछ तो गया है। दोबारा भेजता हूँ, हर दफा ही फेल हो गया, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग तो बोलता रहिए, लेकिन ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अच्छा यहाँ पे नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन किया हुआ है ना, वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा है, जब भी तो इसको पता नहीं चल रहा नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, तो मुझे अपने फ्रंट एंड के कोड को थोड़ा सा चेंज करना होगा, सही है। यहाँ पे क्या है, नेम प्राइस है, नेम प्राइस, सही है, ऐसे करके अभी उसको पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजने लगा हूँ, ABC 2000 प्राइस है इसकी और ये कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन है, सबमिट, ठीक है। तो ये ऐड हो गया और मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि भाई ये मैसेज आया है, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। तो मेरा इसका मतलब ये है कि मेरा जो फॉर्म था प्रोडक्ट को ऐड करने वाला, वो सही चलना शुरू हो गया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो, पहले से ऐड हुए जितने प्रोडक्ट हैं वो सामने स्क्रीन पर दिख जाए, यही करना है ना मुझे। बटन दबा के भी गेट ऑल भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन आप सब लोग इंटरनेट के डेली यूज़र हैं, ऐसा कहीं नहीं होता कि बटन दबा के गेट ऑल कर रहे हो, वो पेज लोड होने के साथ साथ होता है। तो वो कैसे होगा, वो यही एक्सियोस की पोस्ट होगी, सही है, यही एक्सियोस की पोस्ट होगी, लेकिन गेट की होगी इस बार। और वो चलेगी कब, वो चलेगी यूज़ इफेक्ट के अंदर, सही हो गया। अच्छा, ये याद रखें, आपकी यूज़ इफेक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिक्वेस्ट अगर आप करेंगे तो वो डेटा की रेस लग जाती है, सही है। तो आपको ये करना होता है कि इसके अंदर आपको एक छोटा सा फंक्शन बनाना होता है, ठीक है। तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट गेट ऑल, गेट ऑल प्रोडक्ट्स इक्वल टू अ फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, एसिंक भी बना सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो। एसिंक बना लिया मैंने इसको,
ठीक है, अब जब एसिंक बना लिया तो इसके अंदर में जो भी काम कर रहा हूँ मैं अवेट वाला भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये इसको गेट की बना देते हैं रिक्वेस्ट, गेट की रिक्वेस्ट है, यूआरएल यही होगा सेम, बॉडी इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। देन इसके अंदर अब नहीं लगाएंगे हम, इसके अंदर अब क्या लगा देंगे हम, अवेट, प्रोडक्ट में एस लगेगा, बिल्कुल सही है। और मैंने कहा कि भाई कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, ऐसे करके अब मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको एसिंक बना दिया, ठीक है, रिस्पॉन्स ये आ गया मेरे पास। अच्छा, अब ये डॉट देन मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे ये रिस्पॉन्स अब डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। और डॉट कैच जो मैं ये लगाता था, ये अब कैसे लगाऊंगा मैं, ये अब मैं ट्राई कैच करके लगाऊंगा, मैं ऊपर वाला पूरा पार्ट ट्राई में डालूंगा, ठीक है, सही है। ऊपर वाला पूरा पार्ट देखो ट्राई में चला गया कि भाई इसको ट्राई करो, अगर इसमें कोई एरर आया तो उसको कैच करो। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके उसको बोलूँगा भाई एरर इन गेटिंग ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, और कॉमा डाल के इसको एरर भी यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है। मैं एरर हमेशा कंसोल पे प्रिंट करवाता हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप, मैं असल में टाइम कम होता है मेरे पास यहाँ पे ना, आप लोगों के पास घर पे अच्छा खासा टाइम होता है, तो आप एरर्स को बकायदा स्क्रीन पे प्रिंट करवाया करें यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आपकी अभी से आदत रहे ये काम करने की, ठीक है। अगेन एंड अगेन आपको लग रहा होगा यार अगेन एंड अगेन एक ही बात लिखनी पड़ती है, लेकिन ज़रूरी है ये आपके लिए। तो ये मैंने क्या किया, एक गेट ऑल प्रोडक्ट का फंक्शन बना दिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये फंक्शन मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर बनाऊँ, मैं ये यूज़ इफेक्ट से बाहर भी बना सकता हूँ, सही हो गया, यूज़ इफेक्ट से बाहर भी बना लिया, कॉल अंदर कर दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है, ये लो कॉल मैंने इसको अंदर कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मेरे पास मेरा पेज लोड होगा, अच्छा इसमें यहाँ पे कॉमा डाल के एक एम्प्टी एरे भी डालना पड़ता है, वरना वो इन्फिनिटी घूमने लग जाता है, पागल हो जाता है, सही है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा पेज, तो ये देखो क्या हुआ, ये मेरे पास तमाम का तमाम जो भी प्रोडक्ट्स थी अंदर फिलहाल के लिए जो भी थी वो आ गई सारी की सारी, ठीक है। तो मैंने अब क्या करना है, मैंने अब एक स्टेट बनानी है तमाम प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए, ऐसा ही है ना। तो मैं कहूँगा कि भाई कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स और इक्वल्स टू यूज स्टेट, और शुरू में इसमें क्या रख दूंगा मैं, इनिशियल वैल्यू क्या रखनी चाहिए मुझे, एम्प्टी एरे बेहतर है क्योंकि मैं इस पर मैप चलाऊंगा, ठीक है। अगर मैं नल रखूंगा ना तो वो पहली दफ़ा में मुझे एरर देगा कि भाई तो नल रख दिया आपने, इस पर तो मैप चलता ही नहीं है। एम्प्टी एरे पे मैप चलता है लेकिन जीरो टाइम्स घूमता है, यानी एक बार एक भी आइट्रेशन नहीं करता, तो कोई एरर नहीं आएगा मेरे पास। अगर मैं इस पर नल रखवाता हूँ तो फिर मुझे टर्नरी ऑपरेटर वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों रखूंगा, एरे में आ रहा है डेटा मेरे पास, ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो सही है ना, एरे है ना, रूट तो एरे है ना उसका, तो मैं उस पर आइट्रेट करूंगा और एक एक ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करवाऊंगा, नहीं डॉट डेटा करके थोड़ी करवाऊंगा, ऐसे नहीं होता वो एरे। वहां से मेरे पास देखो क्या आ रहा है ना, ये देखो ना, वहां से मेरे पास जो है ये जो डेटा के अंदर जो आ रहा है ना, ये चीज़ है, ये क्या है, ये एरे है। अब अंदर उसकी क्या है वो छोड़ दो तुम, रूट एरे है ना, मतलब 10 प्रोडक्ट अगर मेरे पास सर्वर से आ रही है और मुझे 10 को अगर सेव करवाना है तो वो नहीं हो सकती, इस एरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम बताओ मैं भी करके देखता हूँ। नहीं देखो, पेजिनेशन में भी ना डेटा का एक एरे तो अलग होता है, डेटा के एरे के साथ जो है वो होता है पेज नंबर कितना है ये और लिमिट कितनी है वो सब अलग होता है, वो मेन डेटा नहीं होता, डिस्प्ले करवाने वाला डेटा वो नहीं होता, सही है। ऑब्जेक्ट रखवा लिया, अच्छा ये वैसे बात इसने सही कर दी है, बात इसने ये की है कि अभी हमारे पास जो है सिर्फ डेटा को आप देख रहे हैं, लेकिन डेटा के अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें हो सकती हैं, तो फिर उसको हम कहाँ सेव करवाएंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं डेटा को एक वेरिएबल में सेव कराऊँ और उन तमाम चीज़ों को एक दूसरे स्टेट में सेव कराऊँ, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि मैं जो पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है पूरे को ही सेव करा लूँ और मैप चलाते हुए मैं डॉट डेटा करके मैप चलाऊँ, तो बात तो इसने सही की है, ठीक है। अच्छा, डिपेंड करता है, अगर तो मुझे ना उस स्टेट को मॉडिफाई करना है लोकली, अगर स्टेट को मॉडिफाई करना है लोकली, तो पूरा ऑब्जेक्ट सेव कराने से ना ये काम डिफिकल्ट हो जाता है,
अच्छा, लेकिन फिलहाल मुझे इस प्रोडक्ट को लोकली इस स्टेट को मॉडिफाई नहीं करना होगा, यही सर्वर से डेटा आएगा, पुरानी स्टेट रिप्लेस हो जाएगी। तो इस केस में मैं जो तुम कह रहे हो ये काम मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लोकली चेंज करवाना होता है। अब पेजिनेशन अभी हमने की नहीं है ना, जब पेजिनेशन हम करेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि हम असल में पेज नंबर का एक अलग स्टेट बनाते हैं। कर सकते हैं जो तुम कह रहे हो वो भी कर सकते हैं, पेज नंबर का एक अलग स्टेट बनाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं हम उसको किसी ग्लोबल जगह पे भी बना रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। उसका रीज़न ये होता है कि देखो यूट्यूब पे भी जाओगे ना, जैसे यूट्यूब स्टूडियो की मैं अगर बात करूँ तो उसमें मैं वीडियोज़ के सेक्शन में हूँ और मैंने अच्छा खासा नीचे स्क्रॉल कर दिया, मेरी ही वीडियोज़ है सारी, अच्छा खासा स्क्रॉल कर दिया, तो मैं कहीं और जाके वापस आता हूँ वहीं पर खड़ा हुआ होता है, वहाँ से मूव नहीं करता। तो इसका मतलब है पेजिनेशन उसने उस कंपोनेंट में नहीं किया हुआ था, कहीं ग्लोबली किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस में सम टाइम ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें पेजिनेशन का जो पेज नंबर है वो हमें इस ऑब्जेक्ट में नहीं बल्कि किसी ग्लोबल जगह पे स्टोर करवाए। लेकिन जो तुम कह रहे हो वो बात सही है। अच्छा ज़रा यार कॉल ले लो। अच्छा तो फिलहाल हम एरे ही करेंगे, लेकिन जो हेलो हाँ नहीं अभी निकलूँगा बस थोड़ी देर में, वहाँ क्या सीन है। हाँ आ जाऊँगा, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। अच्छा हाँ नहीं कोई मसला नहीं, हाँ नहीं कोई मसला नहीं, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो फिलहाल हम इसको एरी रख रहे हैं और फिलहाल हम सिर्फ प्रोडक्ट को देख रहे हैं, पेजिनेशन वगैरह अभी हम सिंपल कर रहे हैं इसको। अच्छा अब हमें करना क्या है, जब गेट ऑल प्रोडक्ट करता हूँ मैं तो मेरे पास जो तमाम की तमाम प्रोडक्ट आती है उसको मैं क्या करूँगा, सेट प्रोडक्ट के अंदर डाल दूँगा, सही है। अच्छा यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा भाई सेट प्रोडक्ट्स और मैंने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा, यही था ना। तो इससे मेरे स्टेट में चला गया। अब इसको स्टेट को मैं नीचे आइटरेट करके स्टेट को डिस्प्ले करवा दूंगा, सही है। ये मेरा फॉर्म कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे मेरा फॉर्म ख़त्म हो रहा है, दो बीआर लगाया हुआ है। यहाँ पे एक डिफ बनाता हूँ मैं और इस डिफ के अंदर मैं चला देता हूँ एक अदद मैप, यम प्रोडक्ट्स डॉट मैप, ठीक है। और इसमें मैं बोल देता हूँ इसको ईच प्रोडक्ट कॉमा इंडेक्स, ठीक है। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे अब मैं ना एक एक प्रोडक्ट करके अब इसको डिस्प्ले करवाऊंगा। अच्छा एक चीज़ और गौर कीजिएगा प्लीज़, इसमें मैंने डायरेक्ट JSX रिटर्न करवा रहा हूँ ना, तो मैं इसको थोड़ा सा मिनीफाई कर सकता हूँ, कोड को अपने थोड़ा सा शॉर्ट कर सकता हूँ कि मैं ये कर्ली ब्रेसेस लगाने के बजाय ना डायरेक्ट यहाँ पे क्या लगा दूँ, छोटी ब्रैकेट लगा दूँ और यहाँ नीचे भी छोटी ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है। तो ये मुझे फिर रिटर्न की ज़रूरत नहीं होगी इसके अंदर। लेकिन अगर मुझे कुछ और भी काम करवाना है JSX रिटर्न करवाने से पहले तो फिर मैं फिर ये चीज़ ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकता फिर मैं, ठीक है। तो आप देखें ये फंक्शन है और फंक्शन के आगे गोल ब्रैकेट लगी हुई है, वो सिंगल लाइन में वो रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये वो वाला काम है। जब हमने जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ रहे थे तो फंक्शन हमने पढ़ा था ES6 फंक्शन, तो उसमें हमने ये जिक्र किया था कि अगर सिंगल लाइन का फंक्शन है पूरा और सेम लाइन में ही वो बात लिखी हुई तो रिटर्न का कीवर्ड रिक्वायर नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार H2 और मैंने कहा कि यार ईच प्रोडक्ट डॉट नेम और मैंने इसको बोल दिया कि भाई बाकी जो हो जाओ ना आप क्या हो जाओ H5 हो जाओ और क्या था प्राइस, और उसके बाद वाले को मैंने बोल दिया डिस्क्रिप्शन
यहाँ पे यही तीनों आ रहे हैं ना, हाँ। अच्छा आईडी भी आ रही है, चलो आईडी भी डिस्प्ले करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। आईडी भी मैंने डिस्प्ले करवा दी, आमतौर पर डिस्प्ले नहीं करवाया जाता, बट जस्ट टू क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो जस्ट टू मेक इट क्लियर कि कौन से वाले में कौन सी आईडी आपको सामने ही दिख रही हो, इसलिए करवाया। आमतौर पर इसको डिस्प्ले नहीं करवाते। अच्छा जी, हाँ कीज़ में दे देते हैं। अच्छा अब जब इसको चलाएंगे ना तो एक ये छोटा छोटा चुन्ना मुन्ना सा एरर दे रहा होगा, ये बोलेगा कि यार ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। तो इसमें ये होता है कि अब जैसे ये वाला डिप है ना, ये मल्टीपल टाइम रिटर्न हो रहा है, एक जैसा लग रहा है रिएक्ट को, तो रिएक्ट बोलता है मुझे एक जैसा नहीं लगना चाहिए, तो इसमें आप ना एक की पास करो और इसमें कोई भी यूनिक चीज़ पास कर दो। तो मेरे केस में जो इंडेक्स है ना वो जीरो से शुरू होगा और जहाँ तक जा रहा है, तो मैं इसको आई को एज अ यूनिक की यहाँ पे पास कर देता हूँ। आई के अलावा कुछ और भी पास कर सकता था मैं, ईच प्रोडक्ट डॉट आई डी भी पास कर सकता था, ठीक है, ईच प्रोडक्ट डॉट आई डी पास कर दूँ, ये भी फाइन है क्योंकि मेरी आई डी भी यूनिक है। हो गया। अब देखो मेरे पास एक प्रोडक्ट थी, ये सामने शो होने लग गई, इस पर कुछ बॉर्डर शॉर्डर भी लगा देते हैं। मैंने कहा स्टाइल और मैंने कहा भाई बॉर्डर, सही है, मैंने कहा इस पर बॉर्डर लगा दो आप, और बॉर्डर के साथ साथ मैंने कहा कि पैडिंग हो जाओ आप 10 और मार्जिन हो जाओ 10, ताकि थोड़ा सा ये साइड साइड से हो जाए। और मैंने कहा कि यार बॉर्डर रेडियस, आप हो जाओ 15, सही है, थोड़ा साइडों से गोल हो गया, मतलब एक एंटिटी टाइप का लग रहा है अब देखने में ये, ठीक है कि भाई कुछ है गोल मटोल सा ये। अब जैसे मैं दूसरा ऐड करूँगा तो वो नीचे शो नहीं होगा, सबमिट। अच्छा ये कह रहा है भाई नंबर सही से डालो, मैंने कहा 120 इसकी प्राइस है, सबमिट ऐड हो गया सर्वर पे लेकिन यहाँ पे नहीं आया। अब हमने अगला काम ये वाला करना है कि जैसे ही ऐड करूँ फ़ौरन नीचे शो हो जाए, रिफ्रेश करूँगा तो आ जाएगा, ओए ये क्या सीन है। अच्छा मैंने वो अलग पे लगा दिया, ये स्टाइल मैंने लगाना था इसके अंदर वाले में, अंदर वाले डिफ पे लगाना था ना जो घूम रही है गोल गोल, सही है, मैंने बाहर वाले पे लगा दिया था तो वो पूरे वो होल काउंट कर रहा था। अच्छा तो ये मेरे पास अभी इस वक्त दो प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है जो कि मैंने दोनों अभी अभी ऐड किया है। अब मैं चाहता हूँ कि नई प्रोडक्ट जब मैं ऐड करूँ तो क्या हो, दोबारा से जो गेट हो जाए, सही है। तो अब जब मैं नई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो कैसे पता चलता है मुझे कि नई प्रोडक्ट ऐड हो गई है, ये सबमिट का फंक्शन चलता है, सबमिट का फंक्शन है ना, कहाँ गया वो फॉर्मिक में, ये रहा, ये है ना वो ऑन सबमिट का फंक्शन, जब प्रोडक्ट में सब कुछ लिख के सबमिट दबाता हूँ तो ये फंक्शन चलता है। इस फंक्शन के अंदर ये पोस्ट की रिक्वेस्ट लगती है, अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट में देन चला है इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऐड हो गया सक्सेसफुली। तो अगर मैं यहाँ पे आके गेट ऑल प्रोडक्ट का फंक्शन ऐसे कॉल कर दूँ तो हो नहीं गया ये काम, आ जाओ, सही है। अभी सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं, 3-4 इसमें डेटा आ गया ना, सर्वर को मैंने रीस्टार्ट किया ताकि डेटा ख़त्म हो जाए मेरा, ठीक है डेटा ख़त्म हो गया। अब जैसे ही मैं कुछ उसमें ऐड करूँगा, असल में स्क्रीन के नीचे की साइड ऐड हो रहा था वो वाला चक्कर में, नंबर कहाँ, अच्छा इसमें मैंने कहा 1200 का ये प्रोडक्ट सामने फ़ौरन आ गया, सही है। अब मैं ऐड करूँगा वो सामने फ़ौरन आ गया, यही होता है ना नॉर्मली इंटरनेट पर, डिपेंडेंसी आ रहे से भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है लेकिन उसकी, यह हमें पता चल रहा है ना, असल में वो करते क्या है यहाँ पे डिपेंडेंसी आ रही है वो प्रूव करते हैं तो वो उससे दोबारा चल जाता है, सही है। अच्छा ये समझ आ गया कैसे हुआ ये, चलो अभी डिपेंडेंसी आ रही समझा देता हूँ, ठीक है। एक मैंने स्टेट बनाया, मैंने कहा प्रोडक्ट लोड लोड और लोड प्रोडक्ट, सही है, लोड प्रोडक्ट किया मैंने, और मैंने कहा सेट लोड, ठीक है, शुरू में इसको मैंने रखवा दिया फॉल्स, बूलियन वैल्यू कोई सी भी रखवा दी शुरू में मैंने, ठीक है।
अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आके ना ये लोड प्रोडक्ट को इधर पास कर दिया, देख रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये यूज इफेक्ट ना शुरू में पेज लोड होते ही एक बार तो ये इसको चलाएगा इस चीज को, उसके बाद दोबारा पहले ये होता था कभी भी नहीं चलाता था दोबारा। अब क्या होगा कि अगर ये वाला स्टेट, और इसमें सिर्फ स्टेट वेरिएबल दे सकते हैं हम, नॉर्मल वेरिएबल नहीं दे सकते, अगर ये वाला स्टेट वेरिएबल अगर चेंज हुआ तो ये एक दफा और चलेगा, और स्टेट वेरिएबल जितनी बार चेंज होगा ये उतनी दफा चलेगा। और नहीं चेंज होता ना स्टेट, कैसे चेंज होता है पुराना वाला स्टेट, कैसे समझा नहीं होगा। ये जो स्टेट है मेरा, ये वाला स्टेट जो है, ये तो पेज लोड होते ही इसके अंदर डेटा आ गया। अब ये चेंज कब होगा, चेंज तो नहीं होगा ये। जब मैं पोस्ट करूंगा दोबारा से, तो अब तो मुझे इस डेटा को अपडेट करना है ना, सर्वर से नया मंगवाना है, तो मुझे वो ट्रिगर चाहिए कि सर्वर से मैं नया कब मंगवाऊँ। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैं उसी के ऑन सबमिट के देन पे लगा दूँ, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन का चक्कर है, जो मैंने अभी किया वो भी सही है, दैट इज़ गुड, चल रहा है ना। जो प्रोडक्ट पोस्ट हुई है उसके देन पे मैंने मंगवा लिया दोबारा, दैट इज़ गुड। मगर ये डिपेंडेंसी एरर में असल में इसलिए लगवाते हैं ना, ताकि देख के ही पता चल जाए फौरन, मतलब है कि मुझे दिख रहा है कि अच्छा यार ये गेट प्रोडक्ट है और ये लोड प्रोडक्ट के चेंज होने पे ये बार बार चलता है, समझ रहे हो। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी जगह पे देन पे आके ना ये फंक्शन नहीं कॉल करूँगा, बल्कि मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा भाई सेट लोड प्रोडक्ट, और इसमें क्या रखूँगा ट्रू, पहले फॉल्स रखा था ना, अब क्या रखूँगा नॉट रखूँगा मैं, लोड प्रोडक्ट के, लोड प्रोडक्ट में जो भी उसमें नॉट लगा के कर दूंगा, तो ये टॉगल होता रहेगा ट्रू फॉल्स, और ये फिर चलता रहेगा, फंक्शनैलिटी इसमें भी सेम अचीव होगी हमारे पास। तो ये डिपेंडेंसी एरे समझ आ गया। अच्छा डिपेंडेंसी एरे ना कॉमा सेपरेटेड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जस्ट इन केस, मतलब पता होना चाहिए आपको कि ऐसा नहीं है सिर्फ एक वेरिएबल है, कॉमा सेपरेटेड आप जितने मर्जी दे दो, उन सारे स्टेट्स में से कोई भी एक चेंज हुआ तो यूज इफेक्ट दोबारा चल जाएगा। तो उसको हम इस केस में हम चलाकर देख लेते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अभी मेरे पास दो प्रोडक्ट है, अब मैं एक नई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ AAA, और इसकी प्रोडक्ट 12 रुपये और कुछ डिस्क्रिप्शन, और सबमिट, सबमिट करते ही नीचे मेरे पास शो हो गया, ठीक है। लेकिन अब की बारी है डिपेंडेंसी एरे के चेंज होने की वजह से यूज इफेक्ट के साथ साथ चला है। अच्छा भाई तो ये क्या हो गया, पोस्ट हो गया और गेट हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको डिलीट करना है। अब डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिलीट करने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं एक तो पहले डिलीट प्रोडक्ट का फंक्शन बनाऊँगा, सही है, कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट इक्वल्स टू ऐसे करेंगे, राइट। तो ये मैंने डिलीट प्रोडक्ट का फंक्शन बना लिया। अच्छा इसका कंटेंट क्या होगा इस फंक्शन का, वही एक एक्सियोस की कॉल होगी असल में, सही है। अच्छा डिलीट प्रोडक्ट को मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें आईडी भी चाहिए एज अ पैरामीटर, ठीक है। और अब की बार मैं क्या करूँगा, अब जब मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश क्या भेजूँगा, आईडी, ये वाली आईडी भेजूँगा मैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट अब डिलीट की रिक्वेस्ट होगी, सही है, रिक्वेस्ट भी डिलीट की होगी, और तो नहीं कुछ इसमें गड़बड़ा। अच्छा एसिंक नहीं है ये फंक्शन, एसिंक बना देता हूँ। तो अब ये डिलीट प्रोडक्ट जो है मेरे पास एसिंक फंक्शन, ये क्या करता है, एक रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट पे जो कि डिलीट की रिक्वेस्ट है, और यूआरएल उसका है लोकल उस 5000/product। अच्छा ये मैं यूआरएल अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने लिखना है बेस यूआरएल वाली अप्रोच से जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास में, ठीक हो गया जी। तो ये इस पर रिक्वेस्ट भेज रहा है, रिस्पॉन्स इसके पास आता है भाई कुछ रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अच्छा अब की बार मुझे सेट प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, वो बस एक टेक्स्ट मैसेज आ रहा है कि भाई डिलीट हो गया, ठीक है। क्या मुझे यहाँ पे कुछ और करवाने की ज़रूरत है, लोड प्रोडक्ट को टॉगल कराना है ना, ताकि जो डिलीट हो गया वो दोबारा से सारी प्रोडक्ट लोड होगी तो वो नहीं आएगा अब की बार। तो मैं बोलूँगा भाई सेट लोड प्रोडक्ट नॉट लोड प्रोडक्ट, सही। अब जहाँ जहाँ पे मुझे लोड कराना होगा मैं उसको क्लिक करूँगा टॉगल, वो फिर लोड कर देगा। तो ये डिलीट प्रोडक्ट का एक फंक्शन बन गया मेरे पास, जो कि अब मैं कहाँ पे कॉल करूँगा, अब डिलीट का एक बटन होगा हर प्रोडक्ट के साथ, उसकी क्लिक पे मैं इसको कॉल करवा दूँगा, ठीक है। तो मैं जहाँ पर अभी इसको डिस्प्ले करवाता था ना हमारे
ये मैं प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाता था, तो इसके लास्ट में मैं क्या करूँगा, एक अलग बटन भी बनाऊँगा और इसका नाम रखूँगा मैं डिलीट, और इस बटन के ऊपर मैं क्या लगाऊँगा, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या लगाऊँगा, एक अलग चुनना उनना का फंक्शन, और फंक्शन के अंदर ये डिलीट प्रोडक्ट, और डिलीट प्रोडक्ट में क्या, ईच प्रोडक्ट डॉट आई डी, ऐसे वाली। सही हो गया, मुश्किल तो नहीं था, आसान था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ज़रा, इसको डिलीट का बटन बना हुआ आ गया। अब ये मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया, हो गया, प्रेस किया गया। आप लोगों ने इसी तरह से किया, तो ये मतलब बताने का मकसद ये कि किसी ने अगर किसी दूसरी अप्रोच से किया था तो आपको ये अप्रोच भी पता चल जाए। अच्छा, अब मुझे बनाना है इसमें एडिट का बटन बनाना है। सही है, एडिट का भी बटन एक बना देते हैं। एडिट का बटन जब मैं बनाऊंगा तो मुझे उसके लिए ना एक स्टेट चाहिए होगी। जाहिर है एडिट का मुझे फॉर्म शो कराना है, एडिट का मुझे क्या कराना है, फॉर्म शो कराना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं एडिट का जब बटन दबाऊंगा तो एडिट प्रोडक्ट बोल सकता हूं मैं, एडिट मॉड भी बोल सकता हूं। मेरा ख्याल है इसका नाम मुझे रखना चाहिए एडिट मॉड। सही है, एडिट मॉड, और इसके अंदर मैंने क्या दे दी, पूरा प्रोडक्ट ही दे देता हूँ। मैंने कहा पूरा प्रोडक्ट दे लो, एडिट मॉड के अंदर पूरा प्रोडक्ट मैंने इसको भेज दिया। अब ये एडिट मॉड क्या करेगा, एक जाहिर है स्टेट बनाएगा जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी, एक दूसरा फॉर्म भरेगा। अब वो एक थोड़ी सी अब कहानी है, वो अब देखते हैं अभी क्या है। तो एडिट मॉड का फंक्शन जो चलेगा ना हमारा, वो अभी देखते हैं वो क्या करेगा फंक्शन। आ जाओ ऊपर, फंक्शन बनाते हैं एडिट मॉड। ये एडिट मॉड को एक्टिवेट करेगा ये। सही है, ऊपर जाहिर है मेरे पास एक स्टेट होगा एडिट मॉड को। अच्छा, ये जो मैं काम करवा रहा हूँ इसके भी मुख्तलिफ अप्रोच हो सकती है इसकी, राइट। शुरू में मैंने एडिट स्टेट को फॉल्स रखा हुआ है। अरे अच्छा, एडिट मॉड के नाम से एक वेरिएबल बना हुआ है तो वो दूसरा नहीं बन सकता। हाँ, इज एडिट मॉड, राइट। ठीक है, सही है, बूलियन वेरिएबल के साथ हमेशा ये होता है। अच्छा, तो मैंने कहा भाई एडिट मॉड का बटन जब भी दबाया जाए ना तो आपको साथ में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट का पूरा क्या मिलेगा आपको, एक अलग ऑब्जेक्ट मिलेगा जो भी प्रोडक्ट पे क्लिक हुआ है। और मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई सेट इज एडिट मॉड, और उसको मैं क्या करवा दूँगा, टॉगल करवा दूँगा, राइट। सही है, नॉट इज एडिट मॉड, सही है। टॉगल का मतलब ये होगा कि वो उसको प्रेस करेंगे तो फॉर्म शो होगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो फॉर्म शायद गायब भी हो जाए। मे बी हम कुछ इस तरह का करवाना चाहें। अच्छा, अब अगला काम मैंने क्या करना है, एडिट मॉड को तो मैंने सेट करवा दिया, सही है। अब ये मैं बताऊंगा कि इसको कि प्रोडक्ट कौन सी एडिट हो रही है वो पूरा ला के इधर रखवा दूंगा ताकि मैं बाद में फॉर्म में शो करवा सकूँ। ठीक है, एडिटिंग प्रोडक्ट मैंने इसका नाम रख दिया, और मैंने कहा कि भाई सेट एडिटिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे कौन सी वाली एक प्रोडक्ट होगी, इसमें कौन सी वाली होगी जो इस वक्त एडिट हो रही है, जो इस वक्त एडिट हो रही है वो वाली होगी यहाँ पे। अच्छा, शुरू में इसकी स्टेट क्या रखूँगा मैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट है। तो ये मैंने इसको एम्प्टी प्रोजेक्ट रखवा दिया, या मैं इसको नल भी रखवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अगर ऑब्जेक्ट भी होगा तो टर्नरी ऑपरेटर को फिर भी मुझे लगाना ही है। अच्छा, तो ये सेट एडिटिंग प्रोडक्ट के अंदर ना मैं पूरा का पूरा क्या कर दूंगा, ये प्रोडक्ट भेज दूंगा कि भाई ये प्रोडक्ट इस वक्त एडिट हो रहा है। सही है, बल्कि इसको भी मैं ट्रू करवा दूंगा, सही है, ट्रू करवा दूंगा कि भाई एडिट मॉड दबाते ही वो क्या होगा, एडिट का मॉड आ जाएगा, फॉर्म शो हो जाएगा वो। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा कि नीचे फॉर्म भी शो करवाना है। अच्छा, फॉर्म मैं कैसे शो करवाना चाह रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं फॉर्म ऐसे शो करवाना चाह रहा हूँ, ये मेरी एक दो प्रोडक्ट यहाँ ऐड करूँ ना दोबारा मैं। अब फॉर्म मैं ऐसे शो करवाना चाह रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट है ना ये मेरी, अब मैं जब एडिट का बटन दबाऊँ तो इसी बॉक्स के अंदर ही ये फॉर्म अपेयर हो जाए। अच्छा, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पॉपअप भी आप करवा सकते हैं, साइड से भी निकल के आ सकते हैं, ठीक है, 10 तरीके होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये करना चाह रहा हूँ कि एडिट का जो बटन है ना इसी के नीचे बनवा दें, राइट।
इसी के नीचे वो शो हो गया। तो हाँ बोलो, इस बाउंड्री के अंदर अंदर, इस गोल बाउंड्री के अंदर अंदर, हाँ इधर ही एडिट का बटन है ना जो उसके नीचे बना हुआ आ जाए। तो ऐसे मैंने अभी चाहा है कि ये हो जाए। अच्छा फिलहाल मैं काफ़ी मतलब इतनी डिटेलिंग का ध्यान नहीं रख रहा, तो आप लोग कोशिश कीजिए डिटेलिंग का ध्यान रखें। मिसाल के तौर पर मैं एडिट का बटन दबाऊँ तो मैं इस पर कन्फ्यूज हूँ अभी कि क्या मुझे इस पर टॉगल करना चाहिए या मैं उसको हार्डली ट्रू करना चाहिए। तो अभी वो देखते हैं हम क्या निकलता है नीचे से। अभी हाँ वो दबा के अगर टॉगल करना है अभी देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा तो यहाँ पे अब मैं लास्ट में एक डिफ बनाऊंगा। ठीक हो गया, ये मैप के अंदर ये बना है डिफ, लेकिन ये डिफ क्या होगा अब की बार? ये डिफ होगा कंडीशनल, और इसमें कंडीशन क्या लगी हुई होगी? कि ये डिफ कब शो होगा? ये डिफ जब शो होगा जब इस एडिटिंग होगा एंड, मतलब इज एडिटिंग ट्रू हो और एंड क्या हो आपका आईडी ये वाली हो, सेम टू सेम हो, कि एडिटिंग प्रोडक्ट डॉट आईडी इक्वल्स इक्वल्स क्या हो, ईच प्रोडक्ट डॉट आईडी हो जाए। मतलब जो एडिटिंग प्रोडक्ट के अंदर जो पूरा एक सिंगल प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो इस वाले प्रोडक्ट से मैच हो जाए। ठीक है, अच्छा एक वक्त में ये एक ही होगा, दो तीन नहीं हो सकते एक वक्त में ये। तो मैंने कहा कि भाई उस सूरत में आप ये दिखा दो डिफ, अदरवाइज आप ये क्या कर दो, आप नल कर दो। सही है, ऐसे सही रहेगा। अच्छा अब इस डिफ के अंदर मुझे क्या करना है? इस डिफ के अंदर मुझे ये पूरा का पूरा फॉर्म यही वाला दिखाना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं पूरा का पूरा वो फॉर्म नहीं दिखा रहा हूँ, या दिखाई देते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा हैंडल सबमिट लेकिन इसका अलग बनेगा। हाँ ये फॉर्मिंग पूरा अलग बनेगा इसका। हाँ तो इसको डुप्लीकेट करते हैं, माई फॉर्मिंग को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसका नाम कुछ और करता हूँ अब मैं। ठीक है, तो अब ये दूसरा फॉर्म बनने लगा है जो कि एडिट का है, तो अब उसके लिए पूरा माई फॉर्मिंग अलग बनेगा। एडिट फॉर्मिंग कर देता हूँ उसको, सही है। अच्छा नाम बाय द वे इसका भी रेलिवेंट होना चाहिए था और इसका भी रेलिवेंट होना चाहिए था, दोनों का नाम रेलिवेंट नहीं है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्म था, दो फॉर्म है, तो आप दोनों का नाम कोशिश करें रेलेवेंट रखें। ये तीन ही उसके अंदर चीज़ें होंगी, वैलिडेशन सेम होगी हमारी, ऑन सबमिट का फंक्शन लेकिन डिफरेंट होगा हमारा। सही है, ऑन सबमिट का फंक्शन क्या होगा, वैल्यूज मिलेंगी मुझे, लेकिन मुझे भेजना कहाँ है, मुझे पुट पे भेजना है, और यही भेजना है, पुट पे भेजना है, और जब ये रिस्पॉन्स आएगा तो सेट लोड प्रोडक्ट भी सेम होगा। हाँ प्रोडक्ट के बाद एक आईडी आएगी, स्लैश वैल्यूज डॉट आई डी होगा, राइट। अच्छा इसमें एक आई डी भी होगा ना यहाँ पे? नहीं यार अभी, खैर अभी देखते हैं। आई डी हमें फॉर्म पे तो नहीं शो कराना, ये करवाना है, देखते हैं आगे चलते हैं ज़रा। नीचे फॉर्म को डिस्प्ले होने दें, फॉर्म देखते हैं डिस्प्ले हो गया कि नहीं हो गया। रिफ्रेश किया मैंने इसको, एडिट का बटन दबाया, वो फॉर्म नहीं डिस्प्ले हुआ, ऐसा किसी एरर आया भाई क्या कोई? अच्छा एडिट का बटन प्रेस किया, एडिट का बटन प्रेस किया, नो इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है ना मैंने अभी, फॉर्म का वो भी तो डुप्लीकेट करना है, मतलब फॉर्म के मार्कअप्स, ये है वो फॉर्म के मार्कअप्स राइट, जिसमें अब माई फॉर्मिक की जगह मैं क्या लिखूँगा, एडिट फॉर्मिक लिखूँगा। तो ये तो मैंने डुप्लीकेट किया ही नहीं है ना, ये अब डुप्लीकेट होने जा रहा है। सही है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे माई फॉर्मिक लिखा हुआ है इसकी जगह मैं एडिट फॉर्मिक लिखूँगा। सही है, सही है। अब मुझे यहाँ पे फॉर्म अपेयर होना चाहिए क्लिक करने के इसको, तो मैंने एडिट का बटन दबाया तो ये फॉर्म मुझे फ़ौरन अपेयर हो गया। सबमिट के बटन, अच्छा इसको दोबारा दबाने से वो गायब भी होना चाहिए, सही है मेरा ख्याल है, उसको टॉगल ही कर देना चाहिए मुझे। आओ चलो टॉगल कर देते हैं, जो एडिटिंग वाला था ना मेरा काम, एडिट मोड इसको टॉगल बना देते हैं, ठीक है, ताकि दोबारा दबाने से वो गायब भी हो जाए। सही है, हाँ मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर हो गया, यहाँ से एडिट है इसका।
सही है। अच्छा, एडिट में वो नाम पहले से क्यों नहीं लिखे हुए आ रहे? पहले से लिखे हुए आने चाहिए। तो अब हम ये कैसे करेंगे कि पहले से लिखे हुए आ जाए वो? हाँ, उसकी जो वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू, वो मैं क्या सेट करवा दूंगा? वो मैं सेट करवा दूंगा कि एडिटिंग प्रोडक्ट डॉट और डॉट प्रोडक्ट नेम, डॉट नेम है सर, आया सही है। कुछ और एरर दे रहा है, कह रहा है भाई वो तो प्रोडक्ट नेम तो मुझे मिल ही नहीं रहा यार, ये क्यों कह रहा है सर? स्टेट में मैंने क्या करके रखवाया वो ज़रा देखना पड़ेगा, उसी नाम से ही गेट होगा। डॉट नेम है सही तो, नहीं मैंने डॉट नेम भी लिखा था पहले, तो समझ नहीं आई डॉट। एडिटिंग प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जो जिस पे क्लिक किया वो स्टेट में भेज चुका हूँ मैं एडिटिंग प्रोडक्ट वाले स्टेट में। अच्छा, इस पे ये कुछ और एरर दे रहा है शायद, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। अच्छा, वो तो नल है, तो असल में हो ये रहा है कि ये तो पहले चल रहा है वैलिडेशन स्कीमा, और वो अपडेट होता है जब जब उस पर बटन पे क्लिक होता है, तो ये वाला चक्कर है। तो मेरा ख्याल है मुझे इसके लिए कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये असल में ऐसे होगा कि जहाँ पे मैं इसको नीचे पास करता हूँ ना, देखो ये मेरा एडिट का फॉर्म है ना, इसमें मैं वैल्यू क्या पास करता हूँ कि भाई फॉर्मेट डॉट वैल्यूज डॉट प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पास कर देता हूँ एडिटिंग वाली ना। चलता नहीं है, देख लेते हैं। ऑन चेंज तो दिया मैंने उसको। अच्छा, वो इनपुट में अपडेट नहीं होगी वैल्यू, और इसका क्या हल किया जाए? हाँ, ये तुमने बड़ी अच्छी बात की कि अगर प्रोडक्ट का नेम इधर एम्प्टी है, अगर ठीक है, तो मैंने और लगा दिया इस पर, और मैंने कहा भाई एडिटिंग प्रोडक्ट वाला दिखा दो, एडिटिंग प्रोडक्ट डॉट नेम दिखा दो इस पर। चलो अब ऐसे देखते हैं, सही है, आ गया, सही हो गया, तुक्के में किया था, सही हो। ये एरर लेकिन अभी भी क्यों आ रहा है? सही हो गया, तो मैं इसमें और लगा के ना ऐसे करके डाल दूंगा एडिटिंग वाला वैल्यू। हाँ, द प्रोडक्ट प्राइस, सही है जी। तो आप देखो जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा वो ऐसे हो जाएगा। वो उन्होंने नाम ही ये रखा है ना उस बेचारे का। इसको एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं इन दोनों को, और एक कोई किसी ढंग के नाम से प्रोडक्ट ऐड करता है। मैंने कहा भाई बॉल एक ऐड कर रहा हूँ मैं, और 120 रुपए की है कुछ, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन सबमिट हो गई। अब ये डिस्क्रिप्शन में क्या करना चाहता हूँ? अपडेट करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई एडिट, एडिट हुआ, और डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया? मैंने कहा सम, नहीं ये और लगाने से गड़बड़ हो तो गई है। सही है, वेल मैंने इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, असल में मैंने और लगाया ना, तो वो जैसे ही एम्प्टी होता है तो उधर की वैल्यू शो करा देता है, वो ये हो रहा है चक्कर।
जैसे ही एम्प्टी होता है ना उधर, अच्छा असल में मुझे करना ये होगा कि ऑन चेंज पे फॉर्मिक को भी बताना होगा और उसको भी बताना होगा, इस एडिटिंग को भी बताना होगा, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, लेकिन इसका कोई ना कोई बेहतर तरीका मौजूद होगा फॉर्मिक के अंदर, कि फॉर्मिक को अगर मैं इनिशियल वैल्यू बाद में देना चाह रहा हूँ, थोड़ा लेट देना चाह रहा हूँ इनिशियल वैल्यू, तो कैसे दूंगा, ठीक है, तो फॉर्मिक के अंदर इसका बेहतर तरीका मौजूद होगा ऑफकोर्स। तो मैंने कहा कि भाई सम डी एस सी आर आई बी टी आई ओ डिस्क्रिप्शन, ठीक है सम डिस्क्रिप्शन, और इसको अब ज़रा सबमिट मार के देखते हैं। अच्छा प्रोडक्ट वो वैलिडेशन इसमें ऊपर नीचे हो गई क्या, वैलिडेशन इसमें वो प्राइस वाले भी कह रहे हैं कि प्रोडक्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे सब पे एक दफ़ा जाके बैक स्पेस करना पड़ेगा। अच्छा पुट पे क्या हो गया, 404 हो गया। अच्छा 404 क्यों हुआ, क्योंकि आईडी इसको अनडिफाइन मिली है, देख रहे हो आईडी इसको अनडिफाइन क्यों मिली भला, ये था ना मेरा एडिट फॉर्मेट। अच्छा वो आईडी इसलिए अनडिफाइन मिली है कि यहाँ पे मैंने आईडी रखी नहीं है इसकी, और नीचे मैंने बनाई भी नहीं है। एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं, उसमें हम डायरेक्ट अगर उठा के दें वैल्यूज़ आईडी देने के बजाय, हम बोले इज एडिटिंग एडिटिंग प्रोडक्ट डॉट, वो बोला ना एडिटिंग प्रोडक्ट डॉट आईडी दे दें डायरेक्ट स्टेट में से उठा के, हम यहाँ से वैल्यूज़ उठाएं ना तो फिर सेट हो जाएगा वो काम। सही है, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं इसको, मैं बॉल पे गया और एडिट डिस्क्रिप्शन करके मैंने कहा कि भाई ये क्या है, इसको फुटबॉल है ये, ठीक है, और सब में जाके मुझे एक स्पेस ऐसे देना पड़ेगा, सही है, अदरवाइज वो उसको पता नहीं चलेगा ये बंड है हमारा। सबमिट का बटन दबाया तो ये फुटबॉल चेंज हो गया, ठीक है। अब ये फॉर्म अपेयर कैसे होगा और ये फॉर्म को डेटा वेटा कैसे जाएगा, ये थोड़ा सा इसमें बंड है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं जी। एडिटिंग का ऑप्शन फॉर्मिक के साथ नहीं है, सवाल नहीं समझा। देखो फॉर्मिक का काम है फॉर्म बना के देना आपको, और उसमें वैल्यूज ऐड कराना, जब सबमिट करो तो वैल्यूज आपको वापस रिटर्न करना, उस फॉर्मिक का ये काम है। अभी हमारा प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मिक को हम अगर थोड़ा लेट देना चाह रहे हैं इनिशियल वैल्यू, तो वो उसको नहीं समझ रहा, सही है, वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको नहीं समझ रहा है। एडिट फॉर्मिक डॉट करके अगर मैं देना चाहूँ इसको इनिशियल वैल्यू बाद में, तो ये उसको नहीं समझ रहा। देख लेते हैं यहाँ पे एडिट मोड के ऊपर, एडिट फॉर्मिक डॉट पे मुझे क्या दे रहा है, ये इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे से सेट करने का ऑप्शन आ तो रहा है मेरे ख्याल, सेट फील्ड वैल्यूज आ तो रहा है, यहाँ से सेट करना होगा हमें फील्ड और उसकी वैल्यू, सही तो यार बेहतरीन है, हमारे पास तीन फील्ड्स है ना ये वाली, बस ये हो गया मसला हमारा, वो इज एडिटिंग वेडिटिंग का मसला हम अभी हल कर लेंगे। मैंने कहा भाई प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम और क्या था कॉमन, सही है, बाद में अगर देना हो तो ऐसे दे सकते हैं हम, समझ आ गई। और अब अगला क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सही है, ये हमने यहाँ पे एडिट मोड के क्लिक करने पे हमने उसकी इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ठीक है, यहाँ की इनिशियल वैल्यू अब मैटर नहीं करती है। तो अब मेरा ख्याल है जो और लगाया था ना नीचे जुगाड़ में हमने, उसको भी हटा दो, सही है, ये तीन जगह पे और लगाया हुआ ना हमने, सही है, ये तीनों जगह पे से और हम हटा देते हैं, सही है, नॉर्मल कर दिया इसको मैंने, फॉर्मिक पे ही है अभी सिर्फ डिपेंडेंट, इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया, रिफ्रेश करने के बाद अब एडिट दबाऊंगा मैं तो ये आ गया। अब इसको एम्प्टी करने पे कोई मसला भी नहीं करना चाहिए, सही है, मसला सेट हो गया। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी होगी इसलिए नहीं आया, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत कर दी होगी ना, डी ई एस सी आर आई बी टी आई ओ एन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, या तो सर्वर से गलत आ रही होगी, फिर देख लेते हैं वो मैच कर लेते हैं, सही आ रही है यार, ऐसा क्यों है, फिर अपडेट तो सही हो रही है,
एडिट पे पता नहीं डिस्क्रिप्शन, बाकी दोनों शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रही ना सर। ये क्या बकवास है। अब तो मुझे इस एडिटिंग प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं है ना, जो एडिटिंग प्रोडक्ट की तो मुझे जरूरत नहीं है राइट, इस वाले की। तो ये क्या होगी, लाइन नंबर 211 में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और 126 में इसको यूज़ कर रहा हूँ। नहीं नहीं वो तो सिर्फ सिर्फ अच्छा हाँ यार, शो और हाइट के लिए मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, उसकी मुझे अभी भी ज़रूरत है, मतलब शो और हाइट के लिए यूज़ किया हुआ है मैंने। सही है, शो और हाइट के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, इसका मतलब है यहाँ पे भी मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट एडिट हो रही है वो मुझे रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। ये पता नहीं क्यों नहीं जा रहा भाई, इसको अलग ना करें। यार नीचे तक ज़रा एक नज़र मार लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओ ये देख रहे हो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, एक एन मिस है यहाँ पे, इसलिए हो रहा है ऐसा। ये कौन सा है, एडिट का जो फॉर्म है उसके अंदर ये स्पेलिंग एक मिस हुई है। अब मैं प्रेस करूँगा तो ये तीनों शो हो जाएंगे, तो ये तीनों हो गए ऑप्शन। सही है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास करंट ऑपरेशन जो है वो रिएक्ट से कंप्लीट हो गया, और आप सब लोगों ने बना के लाए थे, और इसको मज़ीद बेहतर कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी CSS वगैरह भी ऐड कर लीजिएगा जो मैं वक्त की कमी की वजह से नहीं कर सका। अच्छा, अगला काम हमारा ये होगा नेक्स्ट क्लास में, हम इसी फ्रंट एंड को लेकर, मतलब ये जो हमारा पूरा फोल्डर है ना 5, ये जो हमारा पूरा फोल्डर है 5, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे हम, और इसमें वेरिएबल को हटा के हम एक्चुअल डेटाबेस लगा देंगे, दैट्स इट। ये हम MongoDB अगली क्लास में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी का कोड मैं पुश कर देता हूँ, ये कोड पुश हो गया हमारा। ठीक है, और होपफुली आपकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। चलो फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।